श्रुती अवधूत, एडियन बातमीपत्रात आपले स्वागत। आज दिवसभरात घडलेल्या घटनांचा आढावा आपण घेणारच आहोत। त्यापूर्वी एक नजर टाकूया त्याच्या ठळक घडामोडींवर। बीड बायपास उड्डाणपुलाची उंची बाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची विधानसभेत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न। महानगरपालिकेचे अख्तर उल जमान नासिर उर्दू वाचनालयाच्या दुरावस्थेमुळे त्रस्त वाचकांच्या वतीने आंदोलन। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। बीड बायपास रस्त्यावरील उड्डाणपुलाची उंची कमी असल्याचा विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांवर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी हे खरे नसल्याचे म्हणत सदर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे। संग्रामनगर उड्डाणपुलाखाली सुरू केलेल्या खोदकामामुळे पुलाचे काम चुकल्याची चर्चा होती। ही चर्चा समाज माध्यमांवर अफवा असल्याचा आरोप करत सातारा देवळाईकरांच्या भावनेशी आणि त्यांच्या रास्त मागणीची सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जागतिक बँक प्रकल्प शाखेने थट्टा केली होती, त्यामुळे सातारा देवळाई परिसरात संतापाची लाट पसरली होती। त्यानंतर सातारा परिसरातील बायपास रस्त्यावर बांधण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाची उंची कमी असल्याचा तारांकित प्रश्न विधानसभा अधिवेशनात आमदार अबू अजीम आझमी यांनी उपस्थित केला। या तारांकित प्रश्नावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी हे खरे नसल्याचे लेखी स्वरूपात सभागृहामध्ये कळवले। सदरचे काम मंजूर आराखड्यानुसार पूर्ण केल्यानंतर वाहतुकीकरिता 5.50 मीटर वर्टिकल क्लिअरन्स उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे। एकीकडे सदरच्या उड्डाणपुलामुळे स्थानिक नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे, तर दुसरीकडे सदर प्रकरणी सभागृहामध्ये बसून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशा प्रकारचे उत्तर देत असून सदर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे। कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमी चर्चेत असणारे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी BRS पक्षात प्रवेश केलाय। आगामी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्वाची घडामोड मानली जाते। कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी BRS पक्षात नुकताच प्रवेश केला। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडल्याची माहिती समोर आली आहे। हर्षवर्धन जाधव यांनी हैदराबाद येथे जाऊन भारत राष्ट्र समिती पक्षात प्रवेश केल्याचं वृत्त आहे। लवकरच चंद्रशेखर राव यांची शहरात सभा घेणार असल्याचं सुतोवाच हर्षवर्धन जाधव यांनी केलंय। विशेष म्हणजे हर्षवर्धन जाधव यांनी चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षात राज्याची मोठी जबाबदारी देण्यात येणार अशी चर्चा केली आहे। जाधव यांच्या मार्फत पक्षाचा विस्तार केला जाऊ शकतो। गेल्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत हर्षवर्धन जाधव यांनी शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे यांच्या विरोधात आव्हान उभे केले होते। आता हर्षवर्धन जाधव यांचा BRS मधील प्रवेश ही भाजपा आणि शिंदे गटाची डोकेदुखी ठरू शकते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे। मुस्लिम बांधवांसाठी पवित्र असणारे रमजान महिन्याचे रोजे आता 24 मार्च पासून ठेवले जाणार आहेत। हासिफिया कॉलनी मशिदीचे इमाम हाफिज मौलाना नसीरुद्दीन यांनी एडियन सोबत बोलताना रमजान महिन्याबाबत सविस्तर माहिती दिली। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी तमाम नियमतों को मुकम्मल किया कि फरमाया कि वअतममतु अलैकुम नियमती, कि अल्लाह जल्ले जलालहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर तमाम नियमतों को मुकम्मल किया। उसमें एक अजीम शान नियमत रमज़ानुल मुबारक की है कि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम जैसी किताब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और इसके मुतालिक फरमाया कि हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। यह ऐसी किताब है जो हक और बातिल को जाहिर कर देती है, और यह ऐसी किताब है जो इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजारने की हिदायत का यह सर चश्मा है। और माह रमज़ान से मुतालिक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम हदीस पाक सुनते हैं अबू सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि 29 रमज़ान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और रमज़ानुल मुबारक के एहतमाम के लिए और रमज़ानुल मुबारक की फजीलत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि ये माह मुबारक इतना अज़ीमु शान महीना है कि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का सवाब दूसरे महीनों के 70 नेकियों के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं।
पांचकी परिसरातील मस्जिद जमील बेग येथून पवित्र रमजान महिना निमित्त गरजवंतांना इफ्तार सह जेवणाची मोफत व्यवस्था करून देण्यात आल्याची माहिती एडियन सोबत बोलताना देण्यात आली। जैसा की आप सब जानते हैं कि मस्जिद जमील बेग पिछले 11 सालों से घाटी और दीगर हॉस्पिटल्स में मुफ्त खाने का नजम करता है का इंतजाम करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सहर व इफ्तार का नजम किया जा रहा है पूरे 17 हॉस्पिटल्स में, और घाटी से मुंसलिक मस्जिद है तो मस्जिद में भी इन सहर का इंतजाम रहेगा। मेरे आप सब से दरख्वास्त है इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। कितने रोजाना कितने मरीजों तक ये आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोजाना 1800 के करीब लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इसका टाइमिंग वगैरह क्या? जी शहर का वक्त 3:30 बजे से चालू हो जाएंगे। इसके अलावा भी और जो दोपहर में आप जो सुविधाएं देते हैं आम लोगों को? नहीं, वो खाना चालू है सर, क्योंकि जैसे इसमें जी दोपहर का वक्त का जो खाना है वो उसी वक्त पर दायम कायम रहेगा, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा गैर मुस्लिम भाई भी इसमें आते हैं, उनको तकलीफ ना हो इस बात का खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील शहीद भगत सिंह अध्यासन केंद्रातर्फे शहीद दिनी आज शहीद भगत सिंह यांची सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमा या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील शहीद भगत सिंह अध्यासन केंद्रातर्फे शहीद दिनी गुरुवारी शहीद भगत सिंह यांची सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमा या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते। या राष्ट्रीय सत्राचे उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर शिवाजी देवडे यांच्या हस्ते करण्यात आले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्र कुलगुरु डॉक्टर श्याम सिरसाट हे होते। उद्घाटनानंतर यावेळी भगतसिंगाचे अभ्यासक प्राध्यापक तानाजी ठोंबरे यांचे बीज भाषण झाले। शहीद भगतसिंग यांची सामाजिक प्रतिमा या विषयावरील सत्रात डॉक्टर मारुती तेगमपुरे यांनी भूमिका मांडली। या सत्रात प्राध्यापक जयदेव डोळे अध्यक्षस्थानी होते। दुसऱ्या सत्रात शहीद भगतसिंग यांची सांस्कृतिक प्रतिमा या विषयावर डॉक्टर समाधान इंगळे यांनी भूमिका मांडली, तर डॉक्टर मुस्तजीब खान अध्यक्षस्थानी होते। चर्चासत्रात 60 हून अधिक निबंध सादर करण्यात आले। चर्चासत्राचा समारोप सामाजिक कार्यकर्त्या प्राध्यापक सुशीला मोराळे यांच्या उपस्थितीत झाला। अधिसभा सदस्य डॉक्टर उमाकांत राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम संपन्न झाला। या कार्यक्रमात प्राध्यापक संशोधक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला। सदर चर्चा सत्राचे आयोजन संचालक डॉक्टर सुधाकर शेंडगे यांच्या मार्फत करण्यात आले होते। किती समजून घ्यायचा हे जास्त महत्त्वाचं म्हणजे खरं म्हणजे आमचा काळ तर असा आहे सहभर झालेला आमच्या युवकांच्या दृष्टीने की त्याचं एकच वाक्य असत की मला काहीच करावं वाटत नाही। खरं म्हणजे ही भगतसिंगाची प्रेरणा आहे का? हे प्रचंड नैराश्य आहे आणि आमचा युवक असा गुरमटत चाललेला आहे की त्याला भगतसिंगाचा सिनेमा एका वेळी आवडणार नाही, पण तो पहिले 2 वर्ष सैराटमध्ये गुरफटलेला असतो ते संपत नाही तर कुठंतरी चंद्रमुखी है ना त्याच्यासमोर उभी राहते आणि नंतर त्याचं हे निराशावादी वाक्य आपल्याला पाहायला मिळतं की आता मला काहीच करावं नाही। हा एखाद्या मित्राच्या वरातीमध्ये नाचत असताना मला अंधार झाल्यासारखं वाटतंय असं कदाचित तो नाचण्याच्या धुंदीमध्ये म्हणत असावा। भगतसिंग समजून घेत असताना वेगवेगळ्या पातळीवर आपण तो समजून घेतला पाहिजे आणि मला या गोष्टीचा आनंद आहे। मला बऱ्याच दिवसापासून हे चर्चासत्र घ्यायचं होतं आणि ते मुद्दामून घ्यायचं होतं। त्याचं एक कारण हे अजूनही काही बातम्यांचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे, मात्र वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा एडियन। सामाजिक न्याय म्हणजे काय आमच्या दर्शकांना सांगा। न्याय सामाजिक न्याय नेमका कसा असतो हे आज मला समजलं। कालपर्यंत PhD करण्याचं स्वप्न असून सुद्धा फक्त घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे मी PhD करण्याचा विचारच सोडला होता।
पण आता महाराष्ट्र शासन PhD आणि MPhil करणाऱ्यांना देत आहे 31,000 रुपये, सोबतच घरवाडे भत्ता आणि आकस्मिक खर्च सुद्धा. बस अजून काय हवं? महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे माझ्यासारख्या कित्येकांचं PhD आणि MPhil चं स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और एक है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर सर सर. ए ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. ब्रेक नंतर पुन्हा आपले स्वागत. महानगर पालिकेचे अख्तरुल जमान नसीर उर्दू वाचनालयाच्या दुरावस्थेमुळे त्रस्त झालेल्या वाचकांसाठी वाचनालयासमोर आज जनजागरण समिती महाराष्ट्राच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. गुरुवारी जागरण समिती महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मोहसिन अहमद यांनी समिती सदस्य आणि अख्तर उजमान नासिर लायब्ररीच्या आजीवन सदस्यांसह महानगरपालिकेच्या अख्तर उजमान नासिर वाचनालय शाह बाजार समोर आंदोलन केले. या वाचनालयात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात व पुस्तके घेण्यास व देण्यासाठी कारकून उपलब्ध करून द्याव्या, वाचकांना व रसिकांना वाचनालयाची जागा मिळावी यासह अन्य मागण्या जनजागरण समिती यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना केली. यावेळी डॉक्टर अब्दुल अजीज, इरफान, सुमिया फिरदोस, शबाना बेगम, खान मोहम्मद यासी, सय्यद मुजफ्फर, अब्दुल मुकीत व इतर सदस्य उपस्थित होते. सदर मागणी पूर्ण न झाल्यास औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या विरोधात मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आलाय. लॉकडाऊन से जो बंद हुई मैगजीने पूरी की पूरी बंद, और पेपर में भी जो है लॉकडाउन के पहले से कोई 15 साल से इजाफा नहीं हुआ. 15 साल में कोई फर्नीचर नहीं आया. किताबों को दीमक लग गया, अभी आपको बताएंगे ले जाके दीमक सब खारी हैं. किताबों को दीमक जो है दवा मारना वो नहीं मारे जा रही. इमरजेंसी में आग लग गई तो इमरजेंसी का आग का इंतज़ाम नहीं, पानी पीने का, पेशाब तहारत का इंतज़ाम नहीं, रात को वॉचमैन नहीं, क्लर्क नहीं, फर्नीचर नहीं 15 साल से. इसके लिए बार बार समझाने के बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया. लिहाजा हम आपके सामने देख रहे हैं कचरे की कुंडी. जब घर घर लोग आते कचरा उठाने के लिए तो ये कचरे की कुंडी यहाँ का कौन है? आज भी अपन जो है तो म्यूनसिपाल्टी के दौर में जी रहे क्या? G20 की मीटिंग हुई औरंगाबाद में और कचरे की कुंडी अभी जिंदा है. ये बड़े अफसोस की बात है. सब विदेश के लोग आए 20. आपकी क्या डिमांड है महानगर पालिका? हमारी डिमांड ये है कि इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो तारीखी लाइब्रेरी जिसमें 20,000 के ऊपर किताबें हैं, यहाँ पर फौरी क्लर्क देना चाहिए. यहाँ के जो क्लर्क थे उनका ट्रांसफर जो है सुरक्षा विभाग के अंदर जो है शेख मुख्तार जो थे, मुख्तार खान, उनका कर दिया गया जो लाइब्रेरी का कोर्स पास है. अब यहाँ पर कोई किताबें देने और लेने के लिए हैंड नहीं है. इसलिए मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो किताबें जो भी लगती है या मेरे तदरीस के लिए जो भी किताबें यहाँ पर चाहिए मुझे, वो मुझे वक्त पर मुहैया नहीं होती है. और कभी किताबें होती भी है तो किताबों में बहुत ख़राबी है. किताबें के पेजेस नहीं रहते, किताबों में दीमक रहता है, किताबें टाइम पे नहीं रहती. यहाँ पे कोई बताने के लिए किताबों को कोई अवेलेबल, कोई जेंट्स कोई लेडीज़ कोई भी नहीं है. तो यहाँ पे कलर का, यहाँ पे एक आदमी का होना, यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई गायबाने में कोई भी लेडीज़ जेंट्स आते हैं तो उन्हें वक्त पर किताब मिलना, उन्हें हर चीज़ वक्त पर मुहैया होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर कलर भी दीवारों को करेवा नहीं है. यहाँ पर कचरा कुंडी है जो बहुत मच्छर और बहुत बदबू यहाँ से आती है. यहाँ पर बैठ कर अगर हम पढ़ना भी चाहते हैं, यहाँ पर मुताला भी करना चाहते तो भी हमें यहाँ पर बैठे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी है. और यहाँ पर कोई ख़ास इंतज़ाम पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. बहुत सारी किताबें होने के बावजूद भी इससे अगर हम इस्तेफादा हासिल नहीं कर पाए और वक्त पर हमें पानी, लाइट और यहाँ की गंदगी साफ होने पर हमें नहीं मिली तो इस लाइब्रेरी का यहाँ पर कोई भी वजूद नहीं है. यहाँ की साफ़ सफाई करना और यहाँ पर कलर्क रखना इंतहा ज़रूरी है. ये हम सब की तरफ से एक ज़रूरी गुजारिश है कि यहाँ पर आप कलर्क रखें, यहाँ की साफ़ सफाई रखें, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी किताबों को यहाँ पर लाएँ. और बहुत सी नायाब किताबें हैं, कदीम किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, और ये दूसरी जगहों पर मिलती नहीं हैं. लेकिन आज ये जो किताबें हैं, ये किताबें धूल में पड़ी हुई है, दीमक खा रही है, और उसके बाद में जो है इतना ये धूल है कि वहाँ पर उसको हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है. उसके बाद में उसका इंतज़ाम नहीं है, अलमारी नहीं है,
और उसमें किताबें जो है सीनियर सिटीजन के लिए, ख्वातीन के लिए, जब किताबें देखते हैं तो खुद देखना पड़ता है, खुद लेना पड़ता है, और लेने के लिए कोई कलर्क नहीं है, और वहाँ पर लाइब्रेरी में जो आमतौर पर जो इंतज़ाम होना चाहिए वो इंतज़ाम भी नहीं है, और इसलिए हमारे लिए जो है किताबों का जो है किताबें हासिल करना और किताबें किस तरह से लेना ये कितनी बहुत मुश्किल है। और आज जो है ये मैंने किताब जो है 2-3 साल पहले लिया था, लेकिन यहाँ पर एक बजे के बाद में जो है यहाँ पर आदमी आते हैं, वो भी क्या है क्लास फोर्थ है, और क्लास फोर्थ का जो काम है वो ये किताब नहीं ले सकते, इसलिए मैं भी कि ये किताब जमा नहीं कर सका, और आज लाया मैं, लेकिन यहाँ पर आज भी जो है कोई क्लर्क नहीं है और किताब लेने का इंतज़ाम नहीं है। पवित्र रमजान महिन्याच्या आगमनानिमित्त खास 50-60 प्रकारचे पेनखजूर शहरात दाखल झाले असून चेलीपुरा येथील सरताज किराणा मध्ये रोजा इफ्तारासाठी पेनखजूर आदी साहित्य उपलब्ध करण्यात आले। शहरात दरवर्षी प्रमाणे पवित्र रमजान महिन्याच्या आगमनानिमित्त खरेदी बाजारात सुरू झाली आहे। पेनखजूर व किराणा मालाच्या खरेदीसाठी बाजारात गर्दी होत असल्याने व्यापारी खुश आहे। शहरात विविध प्रकारचे पेनखजूर सौदी अरब व इराण या देशातून दाखल झाले आहेत। सर्वात जुने पेनखजूर व ड्रायफ्रूट साठी शहरात प्रसिद्ध चेलीपुरा येथील सरताज ट्रेडिंग कंपनीचे मालक अल्ताफ सवाणी यांनी सांगितले, यावर्षी 50-60 प्रकारचे नामांकित पेनखजूर मागवले आहे। मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी भाव आहे। 72-1800 रुपये किलो भाव असलेली स्वादिष्ट पेनखजूर आमच्याकडे उपलब्ध आहे। मेघजॉल 1200 रुपये तर अजवा खजूर 800 रुपये दराने उपलब्ध आहे। गोणी, चटई, इराणी, कलमी, सुक्री, रुतब, अमीन, एलिना, तनुषिया या नामांकित व स्वादिष्ट पेनखजूर खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांचा कल आहे। जैसे की 3000 के सामान पे गिफ्ट चला पहिले, जैसा वाटर बॉटल चली, उसके बाद में टिफिन बॉक्स चला, वहाँ से निकलने के बाद अभी रॉयल्टी पॉइंट चल रहा है। जैसा कि अभी आप हर प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर आपको पॉइंट्स की स्कीम आती है, उन्होंने सामान ले लेना, पॉइंट्स रिडीम कर लेना। अच्छा, तो इसमें क्या डिस्काउंट नहीं है? आप क्या डिस्काउंट भी है ना, वो कितना परसेंट दे रहे हैं? जैसा कि हम मिनिमम 6% से हमारा डिस्काउंट चालू है। और आपकी सरदार ट्रेडिंग कंपनी में कुछ कंपनियों के भी स्टॉल लगे? हाँ, कंपनियों के हमारे तकरीबन हमारे पास में 20 कंपनियों के स्टॉल है। जैसा कि चाय पत्ती वाले हो गए, शरबत वाले हो गए, वहाँ से निकलने के बाद में ऑयल वाले हो गए, तो वो जो है अपन उनको MRP से ज़्यादा कम देने की कोशिश करते हैं कस्टमर। शरबतों में क्या क्या है? शरबत में तकरीबन मेरे पास में 40-50 वेराइटी अवेलेबल है। सब लेते चावल, ये वो खजूर सब लेते हैं। किराना सामान भी? किराना सामान यहाँ से लेते हैं। किराना सामान कैसा है यहाँ पर? यहाँ अच्छा है, रीजनेबल में भाव अच्छे है। सब गर्म मसाले का जोर है, पूरा बिरयानी हो, चिकन बिरयानी हो, मटन बिरयानी हो, वो सब गर्म मसाले के ऊपर डिपेंड रहता है जी। दाल है, बिरयानी के लिए चावल भी लिए, शानदार। तो क्वालिटी कैसी है आपकी और रेट कैसे है? रेट भी बराबर है। तो आप कितने साल से आते हैं यहाँ पर खरीदी? हम ये पहली बार आए। टाउन हॉल ते आमखास मैदान उड्डाण पूल लगतच्या रस्त्याचे काम 15 लाख रुपये खर्चून सुरू करण्यात आले असून सदर रस्त्याच्या कामाबाबत नगरसेवक सय्यद मतीन यांनी एडियनसोबत बोलताना माहिती दिली आहे। आज जो है तो धम्मा कसा मेरा एक बजट का काम था, तो मैंने कल 3 करोड़ का ऐलान किया था, तो काम आज से स्टार्ट कर दिए। उद्घाटन होते रहेंगे, चलते रहेंगे, और काम जल्द से स्टार्ट हो। रमज़ान का महीना लग रहा, तो आसिफा कॉलोनी टाउन हॉल की मेरे वार्ड की एंट्री है, तो आइए। 15 लाख रुपए का जो है तो डामर रोड का काम जो है तो स्टार्ट किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात का मैं इनॉग्रेशन हुआ आज, हमारे आदि भाई है कॉन्ट्रेक्टर, वो ये काम कर रहे हैं। अल्फलाह इंटरनॅशनल इस्लामिक शाळेत इस्लाम आणि विज्ञानाचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते। यात विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभागी होऊन आपले कलागुण सादर केलेत। अल्फलाह इंटरनॅशनल इस्लामिक शाळेत इस्लाम आणि विज्ञानाचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते। या प्रदर्शनाचे उद्घाटन सोहेल अहमद आणि फजल अहमद यांच्या हस्ते करण्यात आले। शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांनी नियोजनानुसार अत्यंत चांगल्या प्रकारे अल्फलाह दिवस केला, तसेच उत्तम प्रकल्प बनवून शिक्षकांनी व पालकांनी मुख्य भूमिका बजावली। विद्यार्थ्यांनी प्रकल्पाचे स्पष्टीकरण खूप छान पद्धतीने दिले। शाळेचे मुख्याध्यापिका सबा जबीन आणि सर्व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले। हे प्रदर्शन उत्साहपूर्वक वातावरणात पार पडले। I'm
मैडम फोन कर रहे तुम आगे क्या हो गए हाँ बोलो बेटा आई एम सबा जबीन, मेरा नाम सबा जबीन है, मैं अल्फला इस्लामिक स्कूल की हेड मास्टर हूँ, प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। आज हमारे स्कूल में इवेंट हुआ था, अल्फला इस्लामिक स्कूल का इवेंट था, इस्लामिक फेयर, जिसमें एग्जिबिशन था जो के, और एग्जिबिशन में हमारे पास बच्चों ने बताए थे इस्लामिक थीम से लेकर साइंस की थीम तक, जिसके चीफ गेस्ट थे मिस्टर सोहेल अहमद सर, मिस्टर फजल अहमद सर, और जिनके गाइडेंस के थ्रू, जिनके सपोर्ट के थ्रू आज हमारे पास में जो प्रोग्राम हुआ वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत प्यारा प्रोग्राम हुआ। टीचर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हमारे तमाम स्टूडेंट्स को, मॉडल्स बनाने से लेके उनको एक्सप्लेन करने से लेके उनको प्रेजेंट करने तक के सारा हमारे टीचर्स का बहुत अच्छा इसमें योगदान रहा। टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स, जो मॉडल्स बच्चों ने प्रिपेयर करके लेकर आए, ये जो मॉडल्स बच्चों ने बनाकर लेकर आए उसमें उनकी हेल्प उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा की। मैं थैंक करती हूँ सारे पेरेंट्स को, सारे ऑल माय स्टाफ को, मेरे पूरे तमाम स्टाफ को, थीम पे, और जो थीम थी हमारे स्कूल के आज के एग्जीबिशन की, जो थीम थी वो थी कि साइंस और इस्लाम, जो आज साइंस एक्सप्लेन कर रही है, जो आज साइंस इन्वेंट कर रही है, जो वही चीज़ जो हमारे इस्लाम में बहुत पहले ही बता दी गई थी, उसके थ्रू वो थीम को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने आज प्रोग्राम किए, हमारे बच्चों ने वो उस मॉडल्स को प्रेजेंट किए साइंस के नज़रिए से भी और इस्लाम के नज़रिए से भी। इस्लाम में जो बेनिफिट्स पहले बता दिए गए थे आज वो साइंस उसको प्रूफ कर रही है। ये चीज़ें हमारे बच्चों ने एक मॉडल के थ्रू सारे प्रेजेंट किए और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किए। पुनः एकदा एक नज़र टाकूया आज अच्छे ठळक घडामोडींवर। बीड बायपास उड्डाणपुलाची उंची बाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची विधानसभेत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न। महानगरपालिकेचे अख्तर उल जमान नासिर उर्दू वाचनालयाच्या दुरावस्थेमुळे त्रस्त वाचकांच्या वतीने आंदोलन। आजचं बातमीपत्र इथे संपलं, पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत पाहत रहा औरंगाबादकरांचं हक्काचं बातमीपत्र एडियन। We'll be right back.